कैसे हैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे हाजिर हूं एम एफ इंग्लिश सेंटर से तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं हम चैप्टर नंबर वन द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पर भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम उसका चैप्टर भी पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर वन से लेकर एक्सरसाइज नंबर एट तक कर चुके हैं तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ भी देख लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज नंबर वन से लेकर एक्सरसाइज नंबर एट तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो चले यह वाला चैप्टर शुरू करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई तो बेसिकली इस चैप्टर को जो है मैं आठ पैराग्राफ में तकसीम करूंगा जिसमें से सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई होगा और उसके बाद जो आगे के पैराग्राफ होंगे वो उनके लाइफ के मुतालिक होंगे और उनकी फैमिली और उनके बैकग्राउंड्स के मुतालिक होंगे तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास नाइन की बुक चेंज हो चुकी है और यह चैप्टर जो था वो पुरानी बुक में भी शामिल था स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो है मैं एक्सरसाइज भी अपलोड करूंगा क्योंकि आप जानते हैं एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज से भी पेपर बहुत बड़ा हिस्सा जो है पेपर का बनकर आएगा और क्योंकि आप जानते हैं फाइव ईयर तो अब हमारे पास नई इंग्लिश की बुक की है नहीं तो एक्सरसाइज से ही पेपर बनकर आएगा तो एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और एक्सरसाइज़ की वीडियोज़ भी देख लीजिएगा तो बेल आइकन को जरा ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको एक्सरसाइज़ की तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ये आठ पैराग्राफ कर लेते हैं तो आपके आठ सवालत भी हल हो जाएंगे यानी मैं साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन भी बताता रहूँगा जो पेपर में पूछे जाते हैं या जो पेपर में पूछे जाते थे पुरानी बुक से जो इसी से रिलेट करती थी थोड़ी बहुत तो अगर आप ये आठ पैराग्राफ कर लेते हैं तो आप ईज़िली पेपर को जो है सॉल्व कर लेंगे चाहे वो आपके स्कूल का हो कोचिंग का हो या सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड का हो तो इस चैप्टर को जो है गौर से देखिएगा और पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा जिसमें मैं सवाल भी बताऊँगा स्टूडेंट पहला जो पैराग्राफ है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को उनके चाहने वाले यानी उनके जो मुरीद थे वो प्यार से लाल लतीफ़ कह के बुलाते थे और आप जो एक सूफी शायर भी थे पोइट भी थे और आप एक बुज़ुर्ग भी थे और आप सिंधी लैंग्वेज के जो है बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और आपको सिंधी लैंग्वेज में यानी सिंध में हर कोई जानता है और ज़्यादातर जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में हमने जाना है जो समझा है वो ज़ुबानी कलामी समझा है यानी जिन लोगों ने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को देखा फिर उन लोगों ने आगे तक अपने औलादों तक बातें पहुँचाई फिर उन लोगों ने आगे बातें पहुँचाई जो हम तक आई तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की है वो एक मिर्ज़ा कलीज बेग नाम के शायर ने जमा की है जो ड्रामे भी लिखते थे स्टोरीज भी लिखते थे और उन्होंने भी जुबानी कलामी जमा की यानी वो उन लोगों से मिले जो शाब्दुलतीफ़ बिटाई से मिले थे यानी जिनके आबा अजदाद यानी बाप दादा जो है शाब्दुल्लीफ बिटाई से मिले थे मिर्जा कलीच उन लोगों से मिले और उनकी औलादों से मिलकर शाब्दुलतीफ़ बिटाई के बारे में जाना और उनके बारे में समझा और देखिए शाब्दुल लतीफ बिटाई का जो उर्स है वो चौदह सफर को आता है तो चौदह सफर को जो है शाब्दुलतीफ़ बिटाई का उर्स बनाया जाता है और सफर जो है इस्लामिक मही में दूसरा महीना है और जब इनका उड़ जाता है तो तंबूरा बजाया जाता है और इनकी शायरी सुनाई जाती है और इनके बारे में बताया जाता है तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा और इससे जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को उनके चाहने वाले प्यार से क्या बुलाते थे और उनके बारे में जो इन्फॉमेसन है वो किसने जमा की थी तो शाह लतीफ़ बिटाई को उनके चाहने वाले प्यार से लाल लतीफ़ कह के बुलाते थे और शाह अब्दुल लतीीफ़ बिटाई के बारे में जो इन्फॉमेशन जमा की है यानी जो मालूम जमा की है वो मिर्ज़ा कलीज बेग ने जमा की है और इनका उर्स जो है लतीफ़ बिटाई का वो चौदह सफ़र को आता है तो चलें अब अपने दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं तो स्टूडेंट दूसरा जो पैराग्राफ है हमारे पास वो है बैकग्राउंड एंड फैमिली यानी इस पैराग्राफ में हमें शाहीफ़ बिटाई के बैकग्राउंड और उनके फैमिली यानी एनसिसटर्स के बारे में बताया जाएगा तो देखिए लतीफ़ बिटाई के जो एनसस्टर हैं वो अफगानिस्तान से माइग्रेट कर कर आए थे कुछ लोग कहते हैं कि लतीफ़ बिटाई के वालिद साहब थे सैयद हबीब शाह वो मतियारू से जो है माइग्रेट कर कर आए थे तो दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनके बारे में शाह लतीफ़ बिटाई के एनसस्टर्टर्स के बारे में दी हुई है तो शाह लतीफ़ बिटाई के जो वालद साहब का नाम था वो सैयद हबीब शाह था और देखिए शाह लतीफ़ बिटाई के जो एनसिसटर थे यानी आबा वजदाद यहाँ पर माइग्रेट कर कर आए और एक बिलावल नामी जो था एक बहुत ज़्यादा नेक आदमी रहता था सिंध में जिससे वो जिससे वो मिलने और उस जिससे वो रूहानियत हासिल करने आए थे सिंध के अंदर और जब वो यहाँ पर आए तो उनको सिंध इतना अच्छा लगा कि वो यहीं पर रुक गए क्योंकि उस वक्त सिंध जो था वो सेंटर था इस्लामिक कल्चर का और यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्लामी तहजीब मौजूद थी और बहुत ज्यादा इल्म अदब मौजूद था तो उन्हें उनके आबा वजदाद को शाबद्दुलतीफ़ बिटाई के बड़ों को ये चीज बहुत ज़्यादा पसंद आई और वहीं वो और वो यहीं रुक गए और शाह लतीफ़ बिठाई जो हैं वो सिंध में ही पैदा हुए हैं और लतीफ़ बिटाई के जो वालिद साहब हैं वो हबीब शाह हैं उम्मीद करता हूँ आपको शाब्दुल लतीफ़ बिठाई के एंसेस्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा और शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई के जो एंसेस्टर जो माइग्रेट कर कर आए थे अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के शहर हिरत से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे तो स्टूडेंट इसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है वो यही आ सकता है कि शाब्दुल लतीफ़ बिटाई के वद साहब कहाँ से माइग्रेट कर कर आए और लतीफ़ बिटाई के एनसिस्टर्स कहाँ से यानी बुज़ुर्ग आबा अजदाद कहाँ से माइग्रेट कर कर आए तो लतीफ़ बिटाई के आबा अजदाद जो हैं वो अफगानिस्तान से माइग्रेट कर कर आए थे और उनके वद साहब जो हैं मथियारू से माइग्रेट कर कर आए थे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप चले अपना तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं तीसरा पैराग्राफ में हमें क्या बताया जाए स्टूडेंट तीसरा जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है द नेम भिटाई यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो नाम है भिटाई कैसे पढ़ा देखिए तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का जो नाम है वो सिर्फ़ शाह अब्दुल लतीफ़ है लेकिन आपको भिटाई भी कहा जाता है आपके नाम के आखिर में भिटाई भी लगाया जाता है तो इसकी वजह यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई ने जब अपना घर छोड़ा था ना सेवनटीन में तो आप एक माउंट पर रहने गए थे और सिंधी में जो है ना माउंट को भिट कहा जाता है तो इसी वजह से जो है आपका नाम जो है भिटाई पड़ गया है और इसीलिए आपको शाह लतीफ़ भिटाई भी कहा जाता है और आप जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं भिटाई के नाम से पूरी कंट्री में अगर आप किसी के सामने से भिटाई भी कहेंगे तो वो पूरा नाम कर देगा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई तो ये आपके नाम के साथ बहुत मशहूर है और लगाया जाता है और यही वजह है कि आप जो है वो भिटाई के नाम से भी ज़्यादा मशहूर हैं इससे जो सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि शाब्दल लतीफ़ भिठाई को भिठाई क्यों कहते हैं देखिए आप एक माउंट पर रहते थे और माउंट को सिंधी में भिठाई कहा जाता है तो इसीलिए आपको भी भिठाई कहा जाता है और आप जो है इस माउंट पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक रहे हैं यानी जब तक आपका इंतकाल नहीं हो गया आप उसी माउंट पर रहे तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा आप अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ चल लेते हैं स्टूडेंट चौथा जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है कि अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा और उनकी तालीम के बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने कितनी तालीम हासिल की थी तो अब्दुल लतीफ़ बिठाई जो पैदा हुए हैं वो हमारे पास सिक्सटीन में आप पैदा हुए हैं और हिजरा के हिसाब से ये तारीख जो बनती है वो बनती है अलेवन हंड्रेड एंड टू यानि आफ्टर द हिजरा यानी जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली थी जो एक नया कैलेंडर इस्लामिक शुरू हुआ था उसके हिसाब से जो तारीख बनती है वो बनती अलेवन हंड्रेड एंड टू बनती है और जो हमारी ये वाली तारीख जो चल रही है टू थाउजेंड वाली इसके हिसाब से जो तारीख बनती है वो बनती है सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी नाइन आप जो पैदा हुए थे वो एक छोटे गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम है हाल हवेली जो बि शाह से जो है थोड़ा सा ही दूर है और आपके जो पहले टीचर थे वो थे अखूत नूर मोहम्मद भि बिटाई यानी वो भी भिट के रहने वाले थे इसलिए उन्हें भी बिटाई कहा जाता है और अखूत नूर मोहम्मद बिटाई जो है वो आपके पहले टीचर थे और असल में जो है आपने जो ज़्यादातर तालीम हासिल की थी वो ख़ुद से ही आपने तालीम हासिल की थी लेकिन आपके जो रिसाले पढ़े जाते हैं और आपके जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं इससे लगता नहीं है कि आपने ख़ुद से तालीम हासिल की थी लेकिन आप जो थे वो एक सेल्फ़ एजुकेट थे यानी पे लिखा हुआ है आप एक सेल्फ एजुकेट थे जैसा कि आप देख भी सकते हैं लिखा आ रहा हुआ। आप एक थे। और आपके जो रिसाले हैं, वो ये बस जाहिर करते हैं कि आप कुरान की तालीम में बहुत अच्छे थे और बहुत हदीस कुरान के बारे में आप नॉलेज रखते थे जिससे आप बहुत ज्यादा मशहूर ज़्यादा लोगते थे तो उम्मीद करता हूँ तीसरा आपको समझ में गया होगा इससे जो सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि लतीफ पिटाई कब पैदा हुए और शाब्दुल्ती पिटाई के टीचर कौन थे तो मैंने आपको शाब्दुल्लती पिटाई के टीचर का भी नाम बता दिया है और आपका जो पैदाइश है वो भी बता दिया है तो चले आप पांचवा पैराग्राफ देख लेते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है स्टूडेंट पांचवा जो पैराग्राफ है वो है हमारे पास यूथ यानी इस पैराग्राफ में जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जवानी के बारे में बताया जाएगा और स्टूडेंट इस, इस पैराग्राफ में बताया गया कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है वो शुरुआत से ही दीनी सोच रखते थे यानी वो अल्लाह की तरफ खिंचते रहते थे और उन्होंने शुरू कर दिया था पोइट्री लिखना जवानी में ही यानी बहुत कम उम्र में आपने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था और फिर जो है जवानी में ही आपकी जो है शादी हो गई थी और आपकी जो शादी की डेट बताई जाती है वो बताई जाती है सन्टीन और जिनसे आपकी शादी हुई थी उनका नाम था बीबी से, सेदा बेगम और ये आपकी वाइफ थी जो आपके साथ रहीं और अनफॉर्चुनेटली इनसे इनके कोई बच्चे नहीं हो पाए थे और इनका इंतकाल भी जल्दी हो गया था लेकिन फिर इसके बाद आ, और फिर इसके बाद जो है लतीफ़ बिटाई ने दूसरी शादी नहीं की थी कुछ टाइम तक जो है शाह लतीफ़ बिटाई ने अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और एक बहुत अच्छे शौर साबित हुए लेकिन फिर जब शाह लतीफ़ बिटाई का जो दिल था यहाँ नहीं लगता था यानी डोमेस्टिक लाइफ जो थी जो जो दुनियावी लाइफ थी इसमें शाब्दल लतीफ़ बिटाई का ध्यान नहीं लगता था और उनका दिल जो है वो दीन की तरफ खिंचता रहता था कि किसी की तरह से वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें लेकिन फिर भी वो जो इन्होंने कुछ टाइम तक जो है डोमेस्टिक लाइफ जो है गुज़ारी तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा इससे जो सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि लतीफ़ बिटाई की बेगम का क्या नाम था और उनकी शादी कब हुई तो उनकी शादी जो है वो हुई सेवनटीन में और आपकी जो बेगम का नाम था वो था बीबी सैदा सहदा बेगम तो उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा आप अपने छठे पैराग्राफ को देख लेते हैं तो स्टूडेंट छठा जो पैराग्राफ है हमारे पास वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी शाह लतीफ़ बिटाई के जो दिल में है वो रूहानियत बढ़ती ही बढ़ती चली जा रही थी और उनका जो था दुनिया में दुनियावी ज़िंदगी में दिल नहीं लग रहा था फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि शाह लतीफ़ बिटाई ने इनफ इनफ कह दिया और वो जो हैं रहने चले गए भिट पर यानी माउंट पर रहने चले गए और वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे और सोचो फिक्र किया करते थे और अल्लाह ताला की हमदोसना बयान किया करते थे और जहाँ पर आप रहा करते थे जिस टीले पर रहा करते थे उसी के बराबर में एक नेचुरल लेक थी वहाँ पर बैठ आप बहुत घंटों घंटों बैठ आप अल्लाह की हमदोसना बयान करते थे और गौर वफिक्र में जो थे वो गुम रहते थे यही चीज़ देख जो है आपकी तरफ बहुत सारे लोग खिंचने लगे और आपकी तरफ आने लगे और आपके मुरीद होते गए और यही वजह है कि आप इतने ज़्यादा मशहूर हुए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दीनदार बन गए थे और आपके दिल में जो है अल्लाह के लिए प्यार इबादत बढ़ती ही चली गई और आप जो है एक परहेजगार और इबादत गुजार बंदे हो गए और आप जो है वहाँ पर बैठ के भिट पर बैठ के यानी माउंट पर बैठ के जो है पोइट्री भी लिखा करते थे और दूसरी चीज़ों के बारे में भी लिखा करते थे और आप जो थे वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे और बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले थे और आप अपना अक्सर टाइम जो है दरिया के किनारे बैठ कर गुजारा करते थे जो कि माउंट के पास थी तो उम्मीद करता हूँ आपको छठा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और इससे जो सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि शाब्दल लतीीफ़ बिटाई कहाँ बैठ कर जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते थे तो आप जो है लेक के लेक की तरफ बैठ कर यानी जो दरिया थी उसके बैंक पर यानी किनारे पर बैठ के आप अपना बहुत टाइम गुजारते थे तो चले आप अपना सातवां पैराग्राफ देख लेते हैं। सातवें पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है तो स्टूडेंट सातवां जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है कि देथ एंड रिमेम्बरेंस यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का इंतकाल कब हुआ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो इंतकाल हुआ वो 1752 में आपका इंतकाल हुआ और जहां आप रहते थे यानी जिस माउंट पर आप रहते थे वहीं आपका इंतकाल हुआ और फिर जहां पर आप रहते थे वहीं आपको जो है दफनाया गया फिर कुछ टाइम बाद जो था एक सिंधी जो बादशाह था यानी जो सिंध का जो किंग था जो आपसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखता था और जिसका नाम था ग़ुलाम शाह कलेड़ो उसने जो है आपका मज़ार बनाया और उस पर एक गुम्बद बनवाया जिससे आपका मज़ार बना जो कि आपकी कबर पर ही बनाया गया और जिसके बाद वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहा और आपको जो ज़्यादातर याद किया जाता है वो आपके रिसाले की वजह से याद किया जाता है शाहजो रिसालों और आपकी पोइट्री की वजह से याद किया जाता है जिसमें जो है आपकी जो है अल्लाह ताला से जो है मोहब्बत का इज़हार है जिस पोइटरी में आपने अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है स्टूडेंट शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का जो उर्स बनाया जाता है वो चौदह सफ़र को बनाया जाता है जो कि इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा महीना है और आपका जो उर्स है वो तीन दिन तक जारी रहता है और बहुत सारे लोग जमा होते हैं बहुत बड़ा गैदरिंग यानी बहुत बड़े क्राउड जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के उर्स पे जमा होता है अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं बिलखसूस हाल से तल्लु रखते हैं तो आप शायद शाहीफ़ बिटाई के उर्स में गए भी होंगे और आपने देखा होगा कितना बड़ा गैदरिंग वहाँ पर जमा होता है लेकिन हमने जिस किसी से भी सुना है तो यही सुना है कि बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और बहुत रश होता है और एक मेले जैसा समा होता है यानी मेले मेला लगता है और झूले भी लगे हुए होते हैं बच्चों के और मख्त मख्त चीज़ें बेची जा रही होती हैं और इस उर्स में जो है तंबू से गाने सुनाए जा रहे होते हैं यानी तंबूरा जो आपने इन्वेंट किया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उससे गाना सुनाया जाता है और उससे आपके जो शायरी थी वो भी सुनाई जाती है और आपकी जो शायरी शाजो रिसाल वो पढ़ के सुनाई जाती है और मख्तलिफ़ जो हैं सेमिनार और चीज़ें मनक़द की जाती हैं तो आप एक बहुत बड़े जो है सूफी थे सिंधी जुबान के तो स्टूडेंट इस इससे जो सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि शाब्द का उर्स कब बनाया जाता है और दूसरा जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि शाब्दुल लतीफ बिटाई का मजार किसने बनाया जो का जो मजार आप देखते हैं किसने बनाया तो वो बनाया गुलाम शाह कलेड़ो ने बनाया और आपका जो मजार है वो भिट शाह में मौजूद है तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो अब चले अपने आखिरी और आठवें पैराग्राफ को देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स आठवा और आखिरी पैराग्राफ जो है वो है शाह लतीफ़ पोइट्री यानी इस पैराग्राफ में जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री के बारे में बताया जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उनको जानने के लिए तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है वो जो थी कॉमन लैंग्वेज में थी यानी जो उन्होंने इस तरह से पोइट्री लिखी थी कि आम आदमी ईज़िली उनकी पोइटरी को समझ ले और कोई मुश्किल ना हो जैसे कि आप उर्दू में पढ़ते हैं मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द और गालिब को अलाम इकबाल को तो इनके जो शेर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा समझने के लिए मायने चाहिए होते हैं लेकिन आपने इस तरह से पोइट्री लिखी थी कि ईजिली हर किसी को समझ में आ जाए और कॉमन आदमी जो है वो आसानी से समझ सके आपकी पोइट्री को और आपकी जो पोइट्री जहाँ पर सब जगह जमा की गई है वो है शाहजो रिसालो जो आपकी पोइट्री का जो है बहुत ज़्यादा मशहूर मजमु है जिसे हम शाहजो रिसालों कहते हैं और शाहज रसालों का जो ट्रांसलेशन है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में किया गया है इंग्लिश उर्दू सिंधी ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट की गई है और शाह अब्दुल लतीीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है वो सिर्फ़ पाकिस्तान और सिंध में ही नहीं पढ़ी जाती है बल्कि दूसरे भी मुल्कों में पढ़ी जाती है जैसे कि इंग्लैंड हो गया इस्तंबूल यानी तुर्की का शहर हो गया और तुर्की में भी पढ़ी जाती है और यहाँ तक कि श्रीलंका और दूसरे भी बड़े बड़े शहरों में आपकी जो है पोइट्री पढ़ी जाती है और आपकी पोइट्री को पढ़ यही समझ में आता है और आपकी पोइटरी से जो मैसेज मिलता है वो यही मिलता है आप जो है मैसेज देते हैं इस्लाम का प्यार का और अमन का और भाईचारे का और यही आपकी पॉइट्री का जो है वो असल मैसेज है और जब कभी आपका उर्स आता है तो आपकी पोएट्री से भी पढ़कर सुनाया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जान सकें तो उम्मीद करता हूँ आपको शाह अबीफ़ बिटाई के बारे में समझ में आया होगा उनकी पोइटरी के बारे में तो स्टूडेंट इस इससे जो सवाल पूछा जा सकता है आठवें पैराग्राफ से वो यही पूछा जा सकता है कि शाह अब्दुल लतीीफ़ बिटाई की पोइटरी का क्या नाम है और शाह अब्दुल लतीीफ़ बिटाई की पोइटरी का क्या मैसेज है तो स्टूडेंट शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइटरी का जो जिसा है उसका नाम है शाजो रिसालो और इसका मुख्तलि ज़बानों में जो है तर्जुह कर दिया गया है जो आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जिससे पता चलेगा कि आपने किताब पढ़ी है और इसका जो मैसेज था इस पोइट्री का वो ये था कि अमन प्यार और मज़हब तो ये इसका जो होता बुनियादी मैसेज था तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है एक एक पैराग्राफ को खुल खुल के बताया लेकर फिर भी कोई गलती क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो या आपको कुछ समझने में मुश्किल हो गया हो सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा रिप्लाई करूंगा और इस चैनल का लिंक दूसरे बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि नाइन और मैट्रिक में है थैंक्स फॉर वॉचिंग